हेलो स्टूडेंट्स, लर्न कॉन्सेप्ट्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक्साइट 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले की क्लासेस में हम एक्साइट 12.1 के एग्जांपल्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्साइट 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइंड एंड टू एंड, कि दो क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब उनकी वॉल्यूम है, यानी एक क्यूब की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे वाले की भी है 64 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कि दोनों क्यूब से जो क्यूबॉइड बना है, कि दोनों क्यूब को जोड़कर जो क्यूबॉइड बना है तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, कि दोनों हरेक क्यूब की वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होगा साइड क्यूब की साइड इनटू साइड इनटू साइड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 64 किसके इक्वल हुआ, साइड क्यूब की, और 64 क्यूब होता है 4 का, कि 4 इनटू 4 16 और 16 इनटू 4 64, तो 4 क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। तो यहां से साइड की वैल्यू क्या आई 4, की क्यूब से क्यूब कट तो साइड की वैल्यू क्या आई 4 सेंटीमीटर, कि दोनों क्यूब की जो साइड है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब है जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है तो इसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर यानी लंबाई, और ब्रेड्थ यानी की चौड़ाई भी क्या है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट क्या होगी कि 4 + 4 की दोनों साइड की वैल्यू क्या है 4, और ऊपर वाले की भी वैल्यू क्या है 4, तो ये हाइट क्या हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू में एलबी की लेंथ इंटू ब्रेड प्लस BH यानी ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस HL यानी हाइट इनटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू क्या है 4, ब्रेड्थ की 4, तो 4 इनटू 4, B इनटू H यानी 4 इनटू 8, H इनटू L यानी कि 8 इनटू में 4, 4 इनटू 4 क्या होगा 16, 4 इनटू 8 क्या होगा 32, और 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 32 कितना होगा 64, 64 और 16 18, तो 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 किसके इक्वल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबर, जो इन दोनों क्यूब को घटा कराया है उसका सरफेस एरिया क्या है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना। तो एक्साइट 12.1 में सेम उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने एक्साइट 12.1 के एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्साइट 12.1, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले समझिए होलो का क्या मीनिंग होता है, होलो का मीनिंग होता है खोखला। वेसल की फॉर्म है हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर की वो खोखला है, और सिर्फ और उसकी शेप क्या है हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय यानी इस फिगर को आप देखें तो नीचे से क्या है हेमिस्फीयर और ऊपर की तरफ क्या है ये सिलेंडर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, की डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट है इस वेसल की 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, की हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया में क्या है कि ये एक तो हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है, तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया
ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर। और जब डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 14 का हाफ, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस होगा इसका 14 का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। अब जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो ही क्या होगी इसकी हाइट, कि ये क्या है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द टोटल वेसल क्या है कि कंप्लीट इस वेसल की हाइट क्या है, हाइट ऑफ द वेसल क्या है। अब जो इस वेसल की हाइट हमें गिवन है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो ये है इस पूरे वेसल की हाइट, और हेमिस्फीयर की हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर आएगी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो 13 माइनस 7 कितना आया 6 सेंटीमीटर। ये क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें निकालना क्या है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब है कि ये जो वेसल है वो क्या है कि होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय है होलो सिलेंडर्स। माउंटेड का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों ही क्या है कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, तो उनका क्या निकालेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में आप देखिए कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, यहां क्या बचा आर और यहाँ क्या बचा एच। 2 पाई की क्या वैल्यू गिवन है हमें 22/7। आर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, आर की क्या वैल्यू है रेडियस की 7, रेडियस की क्या वैल्यू 7। हाइट क्या है, हाइट ये किसकी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वो कितनी है 6। तो 2 × 22/7 × 7 7 + 6 13। तो 7 से 7 कट, 22 को 22 × 2 = 44 × 13 ये आएगा 13 × 4 = 52 का 2 कैरी 5 और फिर अगेन 13 × 4 = 52 और प्लस 5 7 यानी 57। तो ये क्या आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। और ये ही हमें इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो है कोन की फॉर्म में और उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, माउंटेड का मतलब है इससे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, माउंटेड का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया हो। तो माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस की इसके ऊपर माउंट किया गया है एक और, इसके ऊपर माउंट किया गया है हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर का भी क्या है रेडियस सेम है यानी 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, इस टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये क्वेश्चन सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेंगे कि 35 बाय 10, कि इसका डेसिमल हटाने के लिए इसको 35 यानी एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 35 बाय 10, इसको दोनों को अगर आप 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी क्या है, सेम है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा, 7.2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम है, 3.5 ही है, और उसको भी इसी तरह हम 7.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब टोटल हाइट ऑफ द टॉय क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कोन है 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर है 7/2 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही होती है उसकी हाइट। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है 7/2 सेंटीमीटर। अब 15/5 को आप लिख सकते हैं 155/10, और इनको आप अगर अगेन 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 5 3 15 और 5 1 5, तो 5 2, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये आएगा 31/2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर है 7/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द टॉय है 31/2। टॉय में जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है हेमिस्फीयर और सेकंड है कोन, तो अब हमें निकालनी हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन क्या आएगी, हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी 31/2 माइनस 7/2, 2 एलसीएम 31 माइनस 7, 31 माइनस 7 कितना है, 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर की आई हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट ऑफ द कोन यानी ये आई है एच की वैल्यू। अब अगर हम एल की वैल्यू निकालें, एल क्या है, स्लांट हाइट, एल तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द कोन कितना है, 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस एच की क्या वैल्यू है, हाइट ऑफ द कोन 12, तो 7/2 यानी 49/4 और 12 का आया 144/4 एलसीएम, 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 × 49 और प्लस 4 × 144 ये आएगा 576। 49 और 576 को ऐड करेंगे, 49 और 576 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 625/4। 625 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 25 और 2 का और 4 का 2, तो 25/2 सेंटीमीटर की आई स्लांट हाइट ऑफ कोन। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय किस किस का बना हुआ है, कोन का और हेमिस्फीयर का, तो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr² और CSA ऑफ कोन होगा πrl। अब इन दोनों में आप चाहें तो एल से कॉमन ले सकते हैं,
क्या आएगा पाई आर। तो पाई आर अगर कॉमन लिया तो यहां रह गया 2R और यहां रह गया L। पाई आर यानी 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2, 2 × R, R की क्या वैल्यू है 7/2, क्योंकि दोनों ही R की वैल्यू 7 है, सेम है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 × 7/2, और L की क्या वैल्यू है 25/2, 2 से 2 कट और 7 से 7 कट, 22 कट जाएगा 11 पर, 11 और अंदर क्या रहेगा 7 + 25/2, 2 एलसीएम 14 + 25, तो ये आया 11 × 14 और +25 39/2। अब 11 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 429/2, यानी इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214 सेंटीमीटर इसको हिंदी में बोलेंगे, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये क्यूबिकल ब्लॉक है और सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो कौन सा है, हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, और सेकंड हमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा। तो आप इस फिगर को देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब है कि इसके इस क्यूब वाले पार्ट के सारे जो साइड्स हैं वो सेम होंगे, तो एक साइड कितने के इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, तो सारे साइड जो होंगी क्यूब की वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब एक साइड पर क्या है कि हेमिस्फीयर बना हुआ है, और हेमिस्फीयर का हमसे पूछा है कि सबसे पहले तो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, तो इसका पहले का आंसर है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी ये जो क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है इसकी साइड के इक्वल होगा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, तो एक तो होगा इसका सरफेस एरिया ऑफ यानी टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या क्या है कि एक तो क्यूबिकल ब्लॉक है यानी, और क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं 6, यानी क्यूब के फेसेस कितने होते हैं 6, तो इसके जो 6 फेस हैं वो तो क्यूब है, एक इसमें होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें इंक्लूड कौन सा नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, और इसमें इंक्लूड नहीं होगा हेमिस्फीयर का ये बेस वाला एरिया, तो यानी सरफेस एरिया क्या पूछा क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा का कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, पहला तो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, प्लस आएगा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें इंक्लूड कौन सा नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सेम
इसी तरह का एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू में क्या है कि सेम बस ये क्वेश्चन की ये जो इसमें जो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक है ये अलग दिया होगा, बाकी वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² 2πr² माइनस πr² πr² यानी 6 × साइड स्क्वायर प्लस πr² साइड ऑफ क्यूब क्या है 7 cm। तो 6 × 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है हेमिस्फीयर का 7/2 का स्क्वायर, 7/2 × 7/2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 11, 7 से 7 कट, यह है 6 × 49, ये आएगा 6 × 49 394 प्लस 11 × 7 77 अपॉन 6 × 49 करेंगे तो क्या आएगा 294 अपॉन 1 प्लस 77 अपॉन 2। अब 294 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 588 प्लस 77, 588 प्लस 77 करेंगे तो ये आएगा 665 अपॉन 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 332.5 cm स्क्वायर यानी 332.5 cm स्क्वायर, हिंदी में इसको बोलेंगे तो 332.5 cm स्क्वायर आया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्या है कि कट किया गया है वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की, जो वुडन ब्लॉक है वो किस शेप का है, क्यूबिक यानी क्यूब। दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ऑफ द क्यूब कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल एज इज ऑफ द क्यूब। ये सेम लास्ट जो क्वेश्चन है उसी तरीके का है और इस तरीके का भी एक एग्जांपल है। तो अगर आपने एग्जांपल्स वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उस एग्जांपल वाली क्लास को भी जरूर एक बार देखें। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब क्या है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, एज इन वन एज ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, वन एज ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक। इसका मतलब है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब। और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें गिवन है किसके, एल के। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक या एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होगा, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एल के इक्वल। और डायमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एल बाय 2। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड अब क्या है कि इसमें 6 फेस तो हैं क्यूब के, अब उनमें से एक पर क्या है कि हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आएगा किसके इक्वल,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, कि क्यूबिकल जो ब्लॉक हैं उनके टोटल सरफेस एरिया प्लस क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें जो माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा क्योंकि ये वाला एरिया जो इसमें है हेमिस्फीयर का बेस ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या होगा माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल ब्लॉक क्या होगा 6 इनटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी एरिया ऑफ सर्कल यानी हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है सर्कुलर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो 6 इनटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या है क्यूब की एल, तो 6 इनटू एल यानी एल स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू क्या है एल बाय टू का स्क्वायर, तो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 से आएगा 6, 4 इनटू 6 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट्स, ये क्या है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, या आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं कि 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, ये भी आंसर सही है। यूनिट्स क्यों, क्योंकि यहां पर डायमीटर और जो भी साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक दिए हुए हैं उनके आगे कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। अगर आपको इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अलग से गिवन हो तो आप पाई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो यहां पर ये क्लास फिनिश हो जाती है, उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।